घर का भेदी लंका ढाए। भारत के साबेक आर्मी चीफ गगनदीप बख्शी ने भारतीय सरकार की असलियत और दिफा हिसार का पोल खोल कर रख दिया। मोदी सरकार को खूब आड़े हाथों लिया, कहा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करो जिसने लड़ना सिखाया। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलोसफी झाड़ते हो। ये हथियार चाहिए। 30 साल से बोफर गन के बाद कोई तोप नहीं आई। MiG-21 जहाज 1960 की दशक के हैं, आसमान से टपक रहे हैं। रफाल नहीं आया, LCA नहीं आया। पत्थर मार के लड़ेंगे हम। नहीं साहब, कोई धांधली नहीं होगी। जो भी डील करी उन्होंने उसमें अब बड़े बड़े बिच्छू के डंक निकल के आ रहे हैं साहब। ऐसे पीछे आपने अगस्ता वेस्टलैंड, बाकी हथियार 30 साल ना आए ना आए कोई बात नहीं साहब। जो VVIP हेलीकॉप्टर है वो तो फट से आएगा, और दुनिया का जो महंगा से महंगा हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला था मेरे लिए बहुत महंगा है, वो हम लें। दो चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था जिना, और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था।